हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले मास्टर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम के अंदर हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चंस भी इस वीडियो में हम चेक करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूफ होगी आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, तो इन क्वेश्चंस को आपको अपने एग्जाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर करने लेना है अगर आप एमए हिस्ट्री परस्यू कर रहे हैं। सो यहाँ पर आज हम देखेंगे एंशिएंट एंड मेडिवियल सोसाइटी का क्वेश्चन पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये आपका एमए फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स कोड होता है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं देन ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सो गाइस, स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चंस को। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राइट एसे ऑन द ऑरिजिन ऑफ यूरोपियन फेडरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे लिबरलिज्म के ऊपर पूछा गया था। नेक्स्ट एग्रीकल्चर सिस्टम बताना था आपको 18th century AD का यूरोप के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कंडीशन ऑफ टर्की के बारे में बताना था, इकोनॉमिक कंडीशन वहाँ की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पोजिशन ऑफ मिडिल क्लास इन यूरोपियन सोसाइटी पर एक नोट लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ 18th century AD इन यूरोप पर क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ फैक्ट्री सिस्टम। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिज्म के बारे में आपको डिस्कस करना था। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो था इंटेलेक्चुअल क्लास इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कॉन्ट्रीब्यूशन आपको बताना था। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करी जाए तो आपसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, फर्स्ट आपको वॉल्टेयर पर एक नोट प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटरलू वॉर इन 1815 AD, ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीटेड है आपके एग्जाम में, आप इसे स्टार मार्क कर सकते हैं। उसके बाद डिस्कस द थ्योरी ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कार्ल मार्क्स, ये थ्योरी भी कई बार आपके एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। उसके बाद डिस्क्राइब द मेन फैक्टर्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना था, राइट अ नोट ऑन कॉन्टिनेंटल सिस्टम। देन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आपको बतानी थी, यू शुड स्टार मार्केट, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। उसके बाद डिस्कस द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ सोशलिस्ट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, अमेरिकन फ्रीडम मूवमेंट पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, डिस्कस करना है आपको उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको, नेचर ऑफ अमेरिकन कॉलोनीज के ऊपर बताना था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेपोलियन। उसके बाद आप क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, नोट ऑन ओरिजिन ऑफ मॉडर्न कल्चर इन यूरोप। देन जो क्वेश्चन रहेगा, नेचर ऑफ न्यू सिटीज इन यूरोप के ऊपर आपको एक नोट लिखना है, डिस्क्राइब करना है। फिर आपको म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ किंग एंड फेडरल्स के ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन मिडिल एज के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉजेज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ फेडरलिज्म। फिर से फेडरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको फेडरलिज्म वाले के टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मॉन्टेस्क्यू पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज मार्क्सिज्म एंड डिस्कस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब आगे एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन को मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइज, ये एंशिएंट एंड मेडिवल सोसाइटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो एग्जाम्स में काफ़ी बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आपके यहाँ पर देखिए, एग्रीकल्चर इफेक्ट के बारे में पूछा गया है, सोशल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ह्यूमंस, और यही क्वेश्चन अभी मैंने इससे रिलेटेड आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ द पर्शियन एम्पायर ड्यूरिंग द रूल ऑफ साइरस डेरियस। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ब्रीफ अकाउंट ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ रोमन एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डेवलपमेंट राइटिंग एंड वेज ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। नेक्स्ट आपको डिटेल अकाउंट बताना था, राइटिंग वेज ऑफ कम्युनिकेशन इन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे राइज ऑफ इस्लाम के बारे में पूछा गया था, अबाउट द अरब सोसाइटी। देन आपसे लॉर्ड्स वैसल्स और प्रिजेंट्स और फेडरल सिस्टम्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। देखा आपने, उससे पहले भी रिपीट हो चुका है फेडरल सिस्टम्स रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसे ज़रूर प्रिपेयर करना है। फिर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मेडिवल टाउन्स के बारे में बताया गया था, उनकी रिलेशनशिप विद रूरल एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिस्कस द मर्चेंट कम्युनिटीज ऑफ इंडिया इन मिडिल पीरियड एंड प्रोडक्ट्स दे डिलीट इन ट्रेडिंग। लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द टू ऑफ द फॉलोइंग। आपको टू नहीं करने हैं, पर आपको सभी अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने हैं। चेंजेस इन डेमोग्राफी ऑफ मेडिवियल यूरोप, मेजर साइंटिफिक एडवांस इन मेडिवियल यूरोप, मायान सिविलाइजेशन, पिरामिड्स एंड इजिप्टियन रिलीजन्स। देन ये क्वेश्चन आपके लिए हिंदी में ट्रांसलेट कर दिए गए हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप अपने एग्जाम हिंदी में देने वाले हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। उम्मीद रखती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। बाय बाय।